हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। नीति शतकम की महत्वपूर्ण सूक्तियों की श्रृंखला में आगे चलते हुए आज हम लोग, इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ देखी थी, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। आइए चलते हैं। पहली सूक्ति है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात जो सत्संगति होती है। नीति शतक में भर्तृहरि यह बताते हैं कि जो अच्छी संगति होती है वह बुद्धि की जो जड़ता है, मूर्खता है, उसे समाप्त करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, हमारा सम्मान बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न रखती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ कर सकती है। आगे चलते हैं। यह सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय, प्रारभ्य विघ्न विहिताम विरमंती मध्यमा, विघ्नय पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाम प्रारभ्य चोत्मजनाम न परित्यजन्ति। यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव के विषय में बताया गया है कि जो नीच लोग होते हैं, यानी छोटे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वह विघ्न के भय से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, अर्थात कोई कार्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा, यह भय जो उनके मन में होता है इसके कारण वह कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और जो मध्यम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वह कार्य को प्रारंभ तो करते हैं पर जब उसमें विघ्न आने लगता है तो विघ्न के भय से उस कार्य को वहीं पे छोड़ देते हैं, अर्थात डर जाते हैं और उस कार्य को न पूर्ण करने का निश्चय कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करते हैं और विघ्न के बार बार आने के बाद भी उस कार्य को नहीं छोड़ते और उसे पूर्ण करते हैं, उस कार्य को न त्यागने के कारण वह उत्तम स्वभाव के व्यक्ति कहलाते हैं। अर्थात जो नीच प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं, और जो मध्यम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वह कार्य प्रारंभ तो करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं, पर जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते हैं वह कार्य प्रारंभ भी करते हैं और विघ्नों को दूर भी करते हैं और उस कार्य को पूर्ण भी करते हैं। यहाँ भर्तृहरि द्वारा मनुष्य के तीन प्रकार बताए गए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ भर्तृहरि इस सूक्ति में लोगों के स्वभाव के विषय में बताते हैं कि चाटुकारिता किस प्रकार की होती है। धीरम विलोक्यति चाटश्चतैश्च भुक्ते। कुत्ता होता है वह अपने अन्न देने वाले, अर्थात अपने भोजन देने वाले स्वामी के लिए पूंछ हिलाता है, उनके पैरों के नीचे गिरता है, उनके लिए भूमि पर लौटता है, अपने पेट को दिखाता है। किंतु जो गजराज होता है वह धैर्य के साथ खड़ा रहता है और सैकड़ों खुशामद की बात खाना खाता है, भोजन करता है, अर्थात उसका जो स्वामी होता है वह कितने प्रकार से उसकी खुशामद करता है, उसकी चाटुकारिता करता है, तब वह जाके भोजन करता है। यह मनुष्य के स्वभाव और चाटुकारिता के विषय में बताया गया है भर्तृहरि द्वारा। आगे चलते हैं। यहाँ भर्तृहरि, मनुष्य के जीवन में दो परिस्थितियाँ होती हैं उसी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि कुसुमस्तक कस्येव द्वयी वृत्तिर्मनश्विना मूर्धिन वा सर्वलोकस्य विशीर्यते वने अथवा, अर्थात पुष्प के गुच्छे के समान जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी दो ही स्थितियां होती हैं। एक तो वह लोगों के द्वारा या तो सिर पे धारण किया जाएगा
या उसी वन में उसी पेड़ पे उग के वहीं पे नष्ट हो जाएगा। अर्थात मनुष्य जो स्वाभिमान करता है उसके कारण उसके जीवन में दो ही परिस्थितियां आती हैं, या तो उसका सम्मान होता है या तो वह जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में समाप्त हो जाता है। ठीक वन में उगे हुए पुष्प के समान, जो तो सिर पे होता है या तो फिर वन में नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। सर्वे गुणां कांचन माश्रयन्ते, अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन कहलाता है, पंडित कहलाता है, और वह शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, और गुणों को जानने वाला वही व्यक्ति होता है जो अच्छा वक्ता होता है और देखने योग्य हो। यहाँ पे भर्तृहरि धन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है वह कुलीन हो जाता है, पंडित हो जाता है, शास्त्रों को जानने वाला हो जाता है, गुणों से युक्त हो जाता है, अच्छे स्वभाव वाला हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है, क्योंकि स्वर्ण धन ही इन सारे गुणों का आश्रय होता है। कहना यह चाहते हैं कि यदि आपके पास धन नहीं है तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह होते हुए भी नहीं के समान हो जाती हैं, और यदि आपके पास धन है, धन का यही महत्व है कि आपके पास यदि धन है तो ये सारी चीज़ें आपके पास यदि नहीं भी हैं तो वह आपके अंदर देखी जाने लगेंगी, लोग मानेंगे कि आपके अंदर ऐसे ही गुण हैं। आगे चलते हैं। दान भोगो नाशो तिस्त्रयो गतः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ति तस्य तृतीयां गतिर्भवति। यहाँ भर्तृहरि द्वारा धन की तीन गतियाँ बताई गई हैं। यह सूक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से जाने समझे। धन की तीन गतियाँ बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। जिसके धन है और वह दान न दे और उसका भोग भी न करे तो वह धन की तीसरी गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका धन नाश को प्राप्त हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसे धन की तीसरी गति मिल जाती है। कहना यह चाह रहे हैं भर्तृहरि कि यदि आपके पास धन है तो उसकी तीन अवस्थाएं ही हो सकती हैं, तीन गतियां ही हो सकती हैं, या तो आप उसे दान कर दें, या तो आप उसका भोग कर लें, उसे इस्तेमाल कर लें, अन्यथा धन की तीसरी गति स्वयं ही किसी को प्राप्त हो जाती है, अर्थात विनाश की। तो अगर आपने दान और भोग नहीं किया तो वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजन दुधुक्षसि यति क्षिति धेनु मेता नाना फले फलति कल्पलती भूमि। यहाँ पे पृथ्वी को गाय के रूप में दिखाया गया है और कह रहे हैं कि हे राजन, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो तो इस प्रजा रूपी बछड़े को अच्छे से पालो, और यदि तुम इस प्रजा रूपी बछड़े को अच्छे से पालते हो तो यह पृथ्वी तुम्हें अनेक प्रकार के लता के समान अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गाय के पास बछड़ा हो तो वह अच्छे से दूध देती है, अधिक दूध देती है, उसी तरह से भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपको इस धरती से कुछ चाहिए तो आप उसकी प्रजा को बछड़े के समान पालिए, जिससे वह धरती आपको अनेक प्रकार के फलों और अनेक प्रकार की चीज़ों से युक्त कर देगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे भर्तृहरि द्वारा एक राजा में कौन से गुण होने चाहिए उसको इस सूक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। आज्ञा कीर्ति हम पालनम ब्राह्मणानाम, कह रहे हैं हे राजन, जिस राजा के पास आज्ञा देने की शक्ति न हो, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करने का गुण न हो, दान देने और भोग करने की क्षमता न हो, और
मित्रों की रक्षा करने का गुण न हो। ऐसे इन 6 गुणों से ही व्यक्ति किसी भी कार्य लायक नहीं होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं करना चाहिए, वह किसी काम का नहीं होता है। ऐसा भर्तृहरि एक राजा के विषय में 6 गुणों को बताते हुए कह रहे हैं। कूपे पश्य पयो निधानदपि घटो गृहणाति तुल्यम जलम। यहाँ पे भर्तृहरि मनुष्य के स्वभाव के विषय में बताते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वह सदैव एक ही परिस्थिति में रहते हैं, अर्थात उनके अंदर लालच की भावना नहीं होती है। वह हमेशा ही एक परिस्थिति में रहते हैं, अर्थात जिस प्रकार से एक घड़ा, उसे यदि समुद्र में भी डाला जाए तो वह जितना आवश्यकता है उतना ही जल ग्रहण करेगा, और यदि उसे कुएं में भी डाला जाए तो उसके अंदर जितनी जगह है वह उतनी ही जल को ग्रहण करता है। उसी बात को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि धनवानों का स्वभाव भी ठीक इसी प्रकार का होना चाहिए। जिस प्रकार से एक कुएं में घड़े को डाला जाए तो भी वह उतना ही जल लेगा, और सागर में डाला जाए तब भी वह उतना ही जल लेगा। मनुष्य का स्वभाव भी ठीक इसी खट के समान होना चाहिए। अगली सूक्ति है, रेरी चातक तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचनः। अर्थात इस सूक्ति में यह बताना चाहते हैं कि हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। किसी में जल भरा होता है और कोई रिक्त ही होता है। जिसमें जल भरा होता है वह पृथ्वी को भिगोने की क्षमता रखता है और उसकी गर्जना व्यर्थ नहीं होती है, लेकिन जिस बादल में जल नहीं होता है वह रिक्त होता है और किसी को कुछ देने की समर्थता नहीं होती है, उसकी गर्जना भी व्यर्थ होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख दीन वचनों को नहीं कहना चाहिए, अर्थात हमें कुछ चाहिए तो ऐसे व्यक्ति से मांगना चाहिए जो हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। आज इतना ही, इसके आगे हम लोग आगे की सूक्तियों को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।